Hello kids, today we are going to solve some question answers, okay, from Amruta, the story of Amruta's lesson. So, look on page number 32. Like Amruta, the other children also had their special tree. They would play for hours in the shade of the trees. जैसे अमृता ट्री के शेड में खेलती थी, वैसे ही और भी बच्चे उसके साथ खेलते थे. अमृता के जैसे ही उस गांव के बच्चे ट्री के खेल लेना, ट्री के साथ खेलना करते थे. सो आ फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड. जैसे अमृता के फ्रेंड्स ट्री के साथ घंटों बिताते थे, खेलते थे, उनका केयर लेते थे, वैसे दैट टाइप हैव बीन प्लांटेड ट्रीज नियर योर हाउस, नियर योर स्कूल ग्राउंड, इन योर स्कूल ग्राउंड और अलोंग द रोड साइड. जैसे अमृता के गांव में प्लांट्स थे, वैसे ही आपके घर के साइड में प्लांट्स है क्या? स्कूल के साइड में, स्कूल के ग्राउंड में, ग्राउंड मीन्स आउटसाइड ऑफ दैट वन ग्राउंड, और एटलीस्ट अलोंग द रोड साइड. रोड साइड तो आपके गांव के रोड साइड, आपके दसवारी वेज रहते हैं ना, उसके साइड में. वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड, कहीं पर तो ट्री प्लांट किए होंगे. और क्यों, वाई वे दे प्लांटेड देयर, वहां पर क्यों प्लांट किया है, प्लांटेड वहां पर क्यों पेड़ लगाया है, पेड्स को वहां पर क्यों प्लांटेड किया है, लगाया है, ग्रो किया है. आर आंसर इज, देर इज अ गार्डन नियर माई हाउस. Some trees are planted in the garden because they provide us shade and purify the air in the surrounding. मेरे घर के नजदीक एक गार्डन है और वहां पर बहुत सारे प्लांट्स हैं. एंड इन दैट वन गार्डन लॉट सो मैनी प्लांट्स आर देयर एंड दे वेर प्लांटेड देयर बिकॉज द प्लांट्स provide shade and purify the air in the surrounding. Plants provide us shade, fruits, flowers and purify the air. Plants हमें क्या करते, क्या देते हैं, fruits देते हैं, flowers देते हैं, shade देते हैं, खेलने के लिए, बैठने के लिए धूप में. जब भी गर्मी के दिनों में आप कहाँ पर बाहर बैठते हो, in the shade of plants, no? Yes. And that plants, trees purify the air in the surrounding. जहाँ पर plants रहते हैं, trees रहते हैं, वहाँ का air pure होता है, cool होता है. Understood ना kids? Why we they planted there? वहाँ पर क्यों plants को लगाया है? Garden में, घर के नज़दीक में, school ground, school के surrounding में, रोड बी साइड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज, हु डज दिस. आपने देखा है जहां पर पेड़ लगाया होता है वहां का केयर लेने के लिए कौन रहता है? यस, आई हैव सीन द गार्डनर टेक्स केयर ऑफ द ट्रीज. गार्डन में गार्डन्स रहते हैं, रोड साइड में भी वर्कर्स रहते हैं, म्युनिसिपल्टी के वर्कर्स रहते हैं, ग्राम पंचायत के वर्कर्स रहते हैं,
everywhere people are there to take care of the trees. घर के साइड में प्लांट्स हो तो ट्रीज हो तो आपके पेरेंट्स केयर लेते हैं उसका. गार्डन में गार्डनर्स रहते हैं. ओके किड्स, अंडरस्टूड नो? हु टेक केयर ऑफ द ट्रीज इन योर हाउस? हु टेक केयर ऑफ द ट्रीज नियर योर हाउस? सम ट्री में भी देर आपके घर के साइड में थोड़े सम ट्रीज होंगे, आपके फील्ड में ट्रीज होंगे, उनका केयर आपके पेरेंट्स लेते हैं. गार्डन के ट्रीज का केयर गार्डनर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सी, हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी वन ऑफ द ट्री? हु ईट्स दीज फ्रूट्स? हियर वी गिव आंसर. नियर आवर हाउस, नियर आपके कौन से, आपके हाउस पे कौन सा प्लांट का प्लेस है? गार्डन का बोला है, वहाँ पर सम फ्रूट्स का प्लांट्स है. कौन सा फ्रूट्स के प्लांट्स है? गावा. यस, देर आर अ फ्यू गावास ट्रीज. पीपल्स हु टेक केयर ऑफ द पार्क ईट दोज फ्रूट्स एंड सम बर्ड्स ईट दीज फ्रूट्स. उस गार्डन में ज़्यादा मोर गवास प्लांट्स आर देर एंड दैट फ्रूट्स द पीपल हु टेक केयर ऑफ द गार्डन दे ईट एंड द बर्ड्स ऑल्सो ईट दैट वन फ्रूट्स. बर्ड्स खाते हैं और जो केयर लेते हैं ना गार्डनर्स वो भी खाते हैं, अलॉन्ग विद द स्मॉल चिल्ड्रन. जो बच्चे खेलने के लिए आते हैं ना वो भी खाते हैं. I am written here short form answers. Okay, gardeners and the birds. You also eat, no? When you go to play, आपके घर के नज़दीक में gardener है तो आप जाते हो, garden है तो खेलने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आपको कौन सा भी fruits मिला तो आप खाते हो. गवा, जामुन and again small fruits, berries, this one. जामुन का रहता है ना? यस करेक्ट. मैंगो, आर यू टेकिंग मैंगो फ्रॉम देयर? ना यस, वहां से आप मैंगो लेकर आते हो ना, कच्चे मैंगोस का. हाँ एक. नाउ सी नेक्स्ट. ललिता फील्स दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोविंग नियर हर स्कूल वॉल have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants, trees are growing on their own without being planted by anyone? Lalita ko kya feel hota hai? Uske school ke wall side mein. स्कूल का कैंपस रहता है, स्कूल का गेट रहता है ना बच्चों, वहाँ पर छोटे छोटे से प्लांट्स रहते हैं, ग्रास रहता है. वो थिंक करती है कि उसको किसी ने भी नहीं लगाया, लेकिन वो कैसा ग्रो हो जाता है ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स. ललिता फील्स दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोविंग नियर हर स्कूल वॉल. स्कूल कंपाउंड रहता है, कंपाउंड के साइड में, कंपाउंड मीन्स वॉल. इनसाइड स्कूल विल बी देयर, ग्राउंड इज देयर सराउंडिंग द स्कूल बिल्डिंग एंड ग्राउंड. एवरी स्कूल हैज अ कंपाउंड वॉल. हर एक स्कूल को वॉल रहता है, सराउंडिंग वॉल रहता है, उसके साइड में ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रो ऑन, किसी ने भी नहीं लगाए रहते हैं. दैट टाइप, डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट्स, ट्रीज आर ग्रोविंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड एनीवन? यस हमने देखा है अलोंग द रोड साइड. रोड साइड में कितने ग्रास रहता है, प्लांट्स रहते हैं, किसी ने प्लांटेड किया है? नो, nobody planted there. वो खुद अपने आप ग्रो हो जाते हैं. एंड इन द फॉरेस्ट,
फॉरेस्ट में भी सभी प्लांट्स ग्रो नहीं किए जाते. सम प्लांट्स दे आर ग्रोन, थोड़े प्लांट्स उन्होंने प्लांटेड किए रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ग्रो ओन. ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रास ग्रो ओन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू फील दे आर ग्रोविंग ऑन देयर ओन? आप ऐसा क्यों सोचते हो, फील करते हो? दे व्हाई डू दे फील व्हाई डू यू फील सॉरी व्हाई डू यू फील दे आर ग्रोविंग ऑन देयर ओन? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज नो एनी वन विल प्लांटेड दैट वन. ऑफ कोर्स दे ग्रो एट ओन, एज नो वन प्लांटेड दोज प्लांट, दे ग्रो इन नेचर बाय देयर ओन. सही है, किसी ने भी उन स्मॉल ग्रास को, स्मॉल प्लांट्स को प्लांटेड नहीं करते, लगाते नहीं है, ग्रो नहीं करते, वो खुद अपने आप ग्रो हो जाते हैं. इट इज करेक्ट एंड इट इज ट्रू. रोड साइड एनी वन विल ग्रो प्लांट्स, ग्रास नो. सम प्लांट्स आर दे आर प्लांटेड, एक दो प्लांट्स रहते हैं, सम प्लांट्स रहते हैं, दे ग्रो, बट नॉट ऑल प्लांट्स आर प्लांटेड. सारे प्लांट्स प्लांटेड नहीं किए रहते, मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो देयर ओन. एज नो वन प्लांटेड दोज एंड दे ग्रो इन द नेचर बाय देयर ओन. अंडरस्टूड नो किड्स? दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स आर देयर. दिस पेज आई विल शेयर विथ यू, दिस वन यू कॉपी इट इन यूर textbook. Before that, you read the page number 31 and 32. Then you'll understand the question answers. Okay, thank you for watching the video.